हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. मैं बायोलॉजी मंत्रा. आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, टॉपिक लेकर आई हूँ, वो प्लेसेंटा है. प्लेसेंटा जाके मेमेलियन प्लेसेंटा आपने देखा होगा. ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है और जीआईसी मेंस और जीजीआईसी आश्रम पद्धति के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर स्टेट्स के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो चलते हैं आगे बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए. क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज प्लेसेंटा? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसमें सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन, कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे उसका पहला आप इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लेसेंटा पूछा गया है तो आपको डिफाइन करना ही है. बोथ यूटेराइन टिश्यू एंड कोरियोनिक विलाई बिकम इंटर डिजिटेटेड, आपस में मिक्स हो जाते हैं, इंटर डिजिटेटेड विद ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट. किसके बीच में? बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी. किस लिए? टू एक्सचेंज द मटेरियल इज कॉल्ड प्लेसेंटा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, इससे अच्छी डेफिनेशन मुझे अभी तक नहीं मिली है. तो आप क्या लिखेंगे? बोथ यूटेराइन टिश्यू एंड कोरियोनिक विलाय बिकेम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो मैटरनल बॉडी टू एक्सचेंज द मटेरियल इज कॉल्ड प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के फंक्शंस बहुत सारे हैं, तो उनमें से जैसे कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये सब आपने क्लास 12th लेवल तक में पढ़ा हुआ है कि मैटरनल ब्लड के जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं वो फीटल तक जाते हैं. रेस्पिरेशन का काम करता है, ऑक्सीजन फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड जाता है. एक्सक्रीशन, फीटल जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं इनटू मैटरनल ब्लड एंड एक्सक्रीट आउट. और स्टोरेज है, ये जो प्लेसेंटा है वो स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन और फैट का, एज अ बैरियर की तरह काम करता है. इट अलाउज ओनली नेसेसरी मटेरियल टू पास इनटू फीटल ब्लड, है ना. एंड्रोकाइन फंक्शन भी है, जैसे कि ये कौन सा? ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी HPL रिलीज करता है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है हार्मोन वो रिलीज करता है. तो क्योंकि फंक्शन इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगी, वो इतना आपको आता ही है और मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके मैं नोट्स दे दूंगी, ठीक है. अब हम लोग ये क्वेश्चन से हटेंगे नहीं, क्वेश्चन पे ही आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, अगर आ जाता है 50 वर्ड्स में मान लीजिए, तो आप इतने में आप अगर लिख देते तो यू विल गेट द फुल मार्क्स. ऑन द बेसिस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व, प्लेसेंटा कितने तरीके के होते हैं? एक जगह आपने टाइप बना दिया, प्लेसेंटा किससे डिराइव हुआ है और एग्जाम्पल आपने कर दिया. तो टाइप कैसा है? पहला है योक स्लैग प्लेसेंटा, दूसरा है एलेंटोइक प्लेसेंटा और तीसरा है कोरियोनिक प्लेसेंटा. ये तीन तरीके के टाइप से प्लेसेंटा, किसके फीटल मेम्ब्रेन कितनी इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे. जो योक सैक प्लेसेंटा है वो किससे मिलकर बना है? योक सैक और कोरियोन से मिलकर बना है. इसका एग्जांपल है मेटाथीरिया. मेटाथीरिया में जिसमें आपके कैंगरू वगैरह आते हैं, मार्सुपियल एनिमल्स आते हैं. एलेंटोइक जो है, एलेंटोइक किससे बना है? नाम से ही पता चल रहा है, एलेंटोइज एंड कोरियन. अगर आप ध्यान दें तो कोरियन तीनों में है, है ना, कोरियन तीनों में है. बाकी चीजें आप उसके नाम से ऐड कर सकते हैं. योक्सैक में तो योक्सैक कोरियन हो गई होगा, एलेंटोइक में एलेंटोइज कोरियन हो गई होगा, कोरियोनिक पे कोरियन ही होगा केवल, ठीक है. तो इस तरीके से बहुत इजीली आप इसे लर्न कर सकते हैं. कोरियोनिक मैमल्स का होता है, मैमल्स में भी मैन का. एलेंटोइक जो है यूथीरिया में होता है, यानी ये भी मैमल्स हैं, एक्सेप्ट मैमल्स, यूथीरिया में एक्सेप्ट मैमल्स ये आपको मिल जाएगा. तो ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं, 50 मार्क्स में आता है तो आप इस बेसिस पे कर दीजिएगा. अगर दूसरा और अगर आपका 150 वर्ड्स में आता है तो आप इसके कई टाइप्स कर सकते हैं, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, विलाई की क्या शेप है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके बेसिस पे भी डिवीजन होता है. उसके बेसिस पे तीन टाइप के में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, नॉन डेसीडियस, डेसीडियस एंड सेंट्रा डेसीडियस. नॉन डेसीडियस, डेसीडियस और सेंट्रा डेसीडियस. जो नॉन डेसीडियस है ये हॉर्स है, कैटल है, इसमें आपको मिल जाएगा. इसके विलाई कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, विदाउट इंटीमेट कनेक्शन. इनका इंटीमेट कनेक्शन नहीं होता बॉडी से, ठीक है, इंटीमेट कनेक्शन नहीं होता है. एट पार्टीशन, पार्टीशन के समय क्या होता है? नॉन डेसीडियस है तो नो डेसीडियो गोज आउट, कोई भी डेसीडियो बाहर मदर की बॉडी से नहीं निकलता है, इसलिए कोई ब्लीडिंग नहीं होती है पार्टीशन के चाइल्ड बर्थ के दौरान में, ठीक है. ये हॉर्स और कैटल में होता है. डेसीडियस में देखिए, डेसीडियस जो है वो आपको रैबिट और मैन में पाया जाता है. इसमें विलाई जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और जैसे अभी आपने पढ़ा कि यूटेराइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई इंटरडिजिटेटेड होते हैं यानी इंटीमेटली कनेक्टेड होते हैं. तो
तो जब वो ब्रेक होंगे एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो कुछ ना कुछ डेसिड्यूआ जो है बॉडी से बाहर आएगा और ब्लीडिंग भी होगी. तो एट पार्टीशन सम डेसिड्यूआ कम्स आउट और ब्लीडिंग होगी. फिर आता है सेंट्रा डेसिड्यूआ. ये इवन फीटल फीटल प्लेसेंटल लेयर्स आर रिटेन. इसमें फीटल प्लेसेंटल लेयर्स जो हैं रिटेन इन यूट्रस में ही रहती हैं, कुछ भी रिलीज नहीं होता है और एब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी के अंदर जैसे कि मोल्स. तो इस तरीके से भी आप इसको डिवीजन इसका डिवीजन आप कर सकते हैं. तो ये आपने तीन दो तरीके के डिवीजन कर लिए. अब हम लोग आगे चलते हैं. आगे अब हम लोग करते हैं नॉन डिस इसके टाइप्स कर लेते हैं. नॉन डेसिड्यूस प्लेसेंटा कैसे करेंगे आप, इसके आप डायग्राम के साथ करेंगे. अगर मान लीजिए आपको 150 मार्क्स में आता है, 150 वर्ड्स में आता है, 15 मार्क्स में आता है, तो आप इसको डायग्राम के बेसिस पे करिएगा इस तरीके से. तो आपके वर्ड्स अगर वो काउंट भी करेंगे तो भी आपका 150 के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा. टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा नॉन डेसिड्यूस कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, डिफ्यूज, कॉटिलिडोनरी एंड इंटरमीडिएट. तीन तरीके के होते हैं. इसमें टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के बेसिस पे होता है और इसका एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं. तो ये जो डिफ्यूज है इसमें जो विलाई है वो स्कैटर्ड होता है. देखिए स्कैटर्ड मैंने बनाया है, ठीक है. इसमें स्कैटर्ड ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ एलेंटोकोरियन, एलेंटोकोरियन के सर्फेस में विलाई जो है वो पूरे के पूरे ऐसे ही डिफ्यूज होते हैं जैसे कि पिग और हॉर्स के केस में होता है प्लेसेंटा इस टाइप का पाया जाता है. कॉटिलिडोनरी में क्या होता है, इसमें पैचेस के फॉर्म में टफ्ट ऑफ विलाई, विलाई के टफ्ट आपको मिलेंगे. ये टफ्ट जगह जगह पर आपको मिल रहे हैं यानी बंच मिल रहे हैं, ठीक है. विलाई इन सेपरेट पैचेस और टफ्ट में आपको मिलेंगे जैसे कि काऊ और गोट में होता है. इंटरमीडिएट में क्या होता है, अरेंज इन कॉटिलिडॉन, ये कॉटिलिडॉन की शेप में एज वेल एज स्कैटर्ड दोनों तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है. कॉटिलिडॉन के फॉर्म में होंगे और स्कैटर्ड होंगे, ठीक है. यानी पैचेस ज्यादा होंगे और स्कैटर्ड भी होंगे. तो ये कैमल और जिराफ के केस में होता है. नाउ कम टू डेसिड्यूस प्लेसेंटा. जो डेसिड्यूस प्लेसेंटा है अगेन इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. इसके भी तीन टाइप हैं. तीन टाइप कौन कौन से हैं, पहला तो है जोनरी, ये जोनरी जो है, और दूसरा है डिस्क्वाइडल और तीसरा है मेटाडिस्क्वाइडल. जोनरी, डिस्क्वाइडल एंड मेटाडिस्क्वाइडल, ये शेप और फॉर्म ऑफ विलाई के बेसिस पे है. शेप या फॉर्म देखें विलाई का कैसा है, तो विलाई फॉर्म कंप्लीट और इनकम्प्लीट गिर्डल, पूरी एक गिर्डल एक पट्टी बना लेता है इनसर्कलिंग ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर एक पट्टी सी कंप्लीट पट्टी चारों तरफ ऐसे बनी होती है, इसको बोलते हैं ये कंप्लीट गिर्डल ऑफ विलाई है. कैट और डॉग में पाया जाता है. डिस्क्वाइडल डिस्क ऑफ विलाई में क्या है, विलाई आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर स्मॉल डिस्क. डिस्क्वाइडल है तो एक डिस्क जैसा विलाई जो है आपको मिलेगा, स्मॉल सर्कुलर डिस्क एरिया ऑन डॉर्सल सर्फेस में मिलेगा ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट के डॉर्सल सर्फेस पे आपको डिस्क शेप का विलाई मिलेगा, छोटा सा सर्कुलर. ये डिस्क्वाइडल का हो गया, ये रैट और बैट में मिल जाएगा आपका. तीसरा है मेटाडिस्क्वाइडल. मेटाडिस्क्वाइडल में क्या होगा, विलाई जो है फर्स्ट अकर ऑल ओवर, पहले शुरू में तो ऑल ओवर मिलेगा, फिर रिस्ट्रिक्टेड टू वन और टू डिस्क, एक या दो डिस्क आपको बाद में मिलेंगी. ये मैन और रैबिट के केस में होता है. तो ये आप डेसिड्यूस और नॉन डेसिड्यूस प्लेसेंटा का कर लेंगे. तो ये आपने कर लिया. नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज ऑन द बेसिस. अब हम तीसरा करते हैं जो कि सबसे ज्यादा, अगर मान लीजिए आपके पास 150 वर्ड्स लिखने हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा क्या, तो आप सबके टाइप लिख दीजिए, एक्सप्लेनेशन ये वाला कर दीजिएगा, ठीक है. और अगर 250 का आता है तो आप सारे टाइप्स लिख सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी में आप कैसे कर सकते हैं, फीटल एंड मैटरनल ब्लड इन प्लेसेंटा नेवर मिक्सअप. जो फीटल और मैटरनल ब्लड होता है वो कभी भी मैमल के केस में मिक्सअप नहीं होता है, ठीक है. मिक्सअप नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर 6 टिश्यूज के बैरियर्स होते हैं मेम्ब्रेन में. अब मैं वो टिश्यूज के बैरियर्स, उनके नंबर आप देख लीजिएगा. पहला है एंडोथीलियल ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल होती है. फिर दूसरा है यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये मैटरनल प्लेसेंटा की बात कर रही हूँ. मैटरनल प्लेसेंटा में 3 बैरियर्स होते हैं और फीटल प्लेसेंटा के भी 3 बैरियर्स होते हैं. ये 6 बैरियर की वजह से मैटरनल और फीटल ब्लड कभी भी जो है मिक्सअप नहीं होता है. तो सबसे पहले मैटरनल एंडोथीलियल मैटरनल ब्लड वेसल्स मिलती हैं, वो एक बैरियर का काम करती हैं. फिर ये जो पूरा भरा हुआ है ये यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है. ये आपने बनाया, ये जो आपने बाहर बाहर बनाया है ये एंडोथीलियल और मैटरनल ब्लड वेसल है. और इसके बाद आपने क्या बनाया है, यूटेराइन एपिथीलियम. ये जो आप बना रहे हैं दिस वन, दिस इज यूटेराइन एपिथीलियम है, ठीक है. इसके बाद आपको ठीक यूटेराइन के ऊपर क्या मिल जाएगा, कोरियोनिक एपिथीलियम मिले, जिसे टोफोब्लास्टिक एक्टोडर्म भी बोलते हैं. ये आपका फोर्थ बैरियर है.
फिफ्थ बैरियर अगेन एंडोथीलियल और फीटल ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल है जिसकी जो है एंडोथीलियम मैटरनल ब्लड वेसल है, ये भी ब्लड वेसल फीटस की है, इसकी एंडोथीलियम भी एक तरीके का बैरियर का काम करती है. फिर है कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, ये कोरियोन कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू है, ये कोरियोन कनेक्टिव टिश्यू है, ये एंडोथीलियल ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल है, ये एंडोथीलियल ऑफ फीटल ब्लड वेसल है, ये यूटेराइन एपिथीलियम है, ये कोरियोनिक एपिथीलियम या ट्रोफोब्लास्टिक एक्टोडर्म है. ये छः जो है आपके बैरियर्स हैं फीटल या मैटरनल, इनमें से कुछ कुछ जो है प्रेजेंट होते हैं, किसी में 3 एब्सेंट है, किसी में 4 और 6 प्रेजेंट हैं, तो उसके बेसिस पे आपके जो डिवीजन बनते हैं. तो ये 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा. तो सबसे पहला देखते हैं एपिथीलियो कोरियल, जो ये आपका प्लेसेंटा है, ये सिंपलेस्ट माना जाता है. एपिथीलियो कोरियल जो है वो सिंपलेस्ट माना जाता है. इसमें ये जो अभी आपने 6 पढ़े हैं, सारे के सारे 6 जो हैं प्लेसेंटा, सॉरी हाँ 6 प्लेसेंटा जो हैं, इसमें ऑल 6 आर प्रेजेंट, ठीक है, सारे के सारे टिश्यू बैरियर्स प्रेजेंट हैं. मोस्ट प्रिमिटिव है ये, सबसे पुराना है. ऑल अदर टाइप्स फ्रॉम इट जो है वो प्रेजेंट हैं, डिराइव फ्रॉम इट, जितने भी हैं वो सारे के सारे इससे ही डिराइव हुए हैं. सारे के सारे टिश्यू बैरियर्स प्रेजेंट हैं. ये पिग और लेमर में प्रेजेंट होता है, ठीक है. सिंडेसोकोरियल जो है, सिंडेस्मोकोरियल यूटेराइन एपिथीलियम इसमें एब्सेंट होती है. मैंने आपको यूटेराइन एपिथीलियम कहाँ बताई थी, ये बताई थी, ये यूटेराइन, ये वाली एब्सेंट होती है, बाकी ये यानी 5 प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है. तो इसी तरीके से मैंने यहाँ नाम दिया हुआ है, 1 प्रेजेंट है, 3 एब्सेंट है, 2 प्रेजेंट है, ये 3 जो है वो यहाँ पर एक और होनी चाहिए इसी टाइप की, वो एब्सेंट है. कौन सी एब्सेंट है, यूटेराइन एपिथीलियम, ठीक है. रेस्ट 5 आर प्रेजेंट, बाकी की 5 प्रेजेंट है. फिर ये जो ये यूटेराइन एपिथीलियम है, ये रोड आउट हो गई है, हट गई है. एंड कोरियोनिक एपिथीलियम कम, अब क्या होगा, कोरियोनिक एपिथीलियम कम क्लोज टू यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू. इसकी वजह से हुआ क्या, जब ये आपका यूटेराइन एपिथीलियम नहीं है, तो ये जो कोरियोनिक एपिथीलियम है, ये किसके कनेक्शन में आ जाएगा, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू के कनेक्शन में आ जाएगा. तो यही आपको लिखना है. एग्जाम्पल क्या है, कैटल और शीप, ठीक है, इस तरीके से आप सिंडेस्मोकोरियल बना देंगे. फिर तीसरा है आपका एंडोथीलियो कोरियल, जो ये जो एंडोथीलियो कोरियल है, इसमें आपके सेकंड और थर्ड एब्सेंट हैं, यानी यूटेराइन एपिथीलियम तो एब्सेंट है ही है, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू भी एब्सेंट हो गया है, ठीक है. तो अब क्या बचा, बाकी के 4 जो हैं वो प्रेजेंट हैं, 4 बैरियर्स प्रेजेंट हैं. एग्जाम्पल कैट और डॉग, तो इसमें कौन कौन सा एब्सेंट अभी हो गया, यूटेराइन एपिथीलियम और यूटेराइन आपका कनेक्टिव टिश्यू, ये नंबर 2 और नंबर 3 दोनों एब्सेंट हो गए. तो ये जो एंडोथीलियन मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं, ये जो हैं आपकी प्रेजेंट होगी और इसी से मिक्स हो जाएंगी, ठीक है. कैट और डॉग में इस टाइप का आप डायग्राम इसका बना देंगे, इस टाइप का डायग्राम बना देंगे, ठीक है. इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज होम्योकोरियल. ये चौथा जो है आपका होम्योकोरियल है, इसमें ऑल द 3 यूटेराइन, जितने भी यूटेराइन बैरियर्स हैं मदर वाले, वो सारे के सारे एब्सेंट हैं, ठीक है. यानी 1, 2, 3 तीनों एब्सेंट हैं. मैटरनल ब्लड पूल बन जाता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स ऐसे ही हैं, और कोरियोनिक एपिथीलियम है, और बाकी उसका आपका एंडोथीलियल ब्लड वेसल ऑफ फीटस है, प्रेजेंट है, और फीटल का कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, आपका कोरियोन भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें एब्सेंट है. तो ये जो है मैन एप्स और मंकी की कंडीशन हो गई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था. आप यहाँ पर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 1, 2, 3 ये पूरा का पूरा 4, ये सारे का सारा एब्सेंट है, ठीक है. आपका 1, 2, 3 एब्सेंट है, तो आपका कोरियोनिक एपिथीलियम, एंडोथीलियम फीटल मेम्ब्रेन एंड कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. तो यही मैंने यहाँ पर बनाया, मैटरनल ब्लड पूल ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैन एप्स और मंकी में है. लास्ट है होम्योएंडोथीलियल. ऑल द 3 यूटेराइन टिश्यू बैरियर तो है नहीं है, बाकी के 2 फीटल टिश्यू बैरियर जो कि कनेक्टिव टिश्यू और कोरियोनिक एपिथीलियम है, वो भी एब्सेंट हैं. फीटल कैपिलरीज जो केवल प्रेजेंट है, वो किसमें बात है, मैटरनल पूल में बात है. सारा का सारा मैटरनल ब्लड भरा हुआ है, उसमें एंडोथीलियल और फीटल ब्लड वेसल उसी में तैर रही है. तो यानी 1, 2, 3, 4, 6 सब एब्सेंट है, केवल 5 नंबर प्रेजेंट है एंडोथीलियल और फीटल मैटरनल ब्लड पूल है. ये रैड, गिनिया पिग और रैबिट में पाया जाता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है. ये यूपीपीसीएस में आ चुका है
और GIC में आश्रम पद्धति में आगे या आप जब कभी भी आएगा तो उसमें भी ये आने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसका मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि इसका मैं नोट्स दूंगी। फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, न्यूट्रिटिव मैटरनल ब्लड जो है, ऑल न्यूट्रिटिव जो है वो फीटल मेम्ब्रेन में चला जाएगा। रेस्पिरेशन करता है प्लेसेंटा, जो कि ऑक्सीजन फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू द फीटल ब्लड। एक्सक्रीशन करता है, फीटल एक्सक्रीटी प्रोडक्ट्स डिफ्यूज इन टू मैटरनल एंड एक्सक्रीटेड आउट। स्टोरेज प्लेसेंटा, स्टोरेज प्लेसेंटा स्टोर करता है ग्लाइकोजन एंड फैट। यू एक्ट एज अ बैरियर, अलाउज ओनली नेसेसरी मैटरनल मटेरियल टू पास इन टू फीटल ब्लड। एंडोक्राइन फंक्शन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसे HCG भी बोलते हैं। ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन LHPL रिलीज करता है, रिलैक्सिन रिलीज करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टफ भी था, तो आप इसका जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।